नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ PTT 2022 BA BEd BSc BEd फोर ईयर कोर्स का काउंसलिंग फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको PTT 2022 जुड़ी सभी अपडेट, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से संबंधित हो या आपको रिपोर्टिंग करने से संबंधित हो, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि PTET 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट PTET Rajasthan 2022.com पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यदि आप बी ए बी एड बी एस सी बी एड के काउंसलिंग फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बी ए बी एड बी एस सी बी एड फोर ईयर कोर्स के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर बी ए बी एड बी एस सी बी एड फोर ईयर कोर्स के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप बी ए बी एड की काउंसलिंग के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बी ए बी एड स्टूडेंट के नीचे रजिस्टर फॉर काउंसलिंग का एक लिंक मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप बीएससी बीएड की काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बीएससी बीएड स्टूडेंट के नीचे रजिस्टर फॉर काउंसलिंग का लिंक मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने काउंसलिंग का कंप्लीट करनी होगी। यदि आप अपने एरिया के कॉलेज जाना चाहते हो, आपकी बीए बीएड में कौन कौन से कॉलेज है आपके एरिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर बीए बीएड कॉलेज पर क्लिक करके आपके एरिया की कॉलेज की लिस्ट और उस लिस्ट की पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसी प्रकार बीएससी बीएड कॉलेज की लिस्ट भी आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर बीएससी बीएड कॉलेज लिस्ट पर क्लिक करके आप अपने एरिया की बीएससी बीएड की कॉलेज लिस्ट की पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बीए बीएड का काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर बीए बीएड के नीचे रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के लिंक पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर फॉर काउंसलिंग के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको अपने बीए बीएड के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, जो कि आपके बीए बीएड के बी ए बी एड के रिजल्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। फिर आपकी काउंसलिंग आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये काउंसलिंग आईडी भी आपको आपके बी ए बी एड के बी ए बी एड के रिजल्ट के ऊपर आपको नीचे की साइड मिल जाएंगे। फिर आपका नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, वो भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्म के अंदर फिल किया है। फिर आपके मदर्स नेम आपको यहाँ पर देना होगा। मदर्स नेम देने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उससे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन के सेलेक्ट करना होगी। आप ई मित्र चालान के माध्यम से पेमेंट करवाना चाहते हो या ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो। ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने रोल नंबर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने काउंसलिंग आईडी फिल कर ली है। और यहाँ पर नेम भी मैंने फिल कर दिया और मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने पेमेंट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने सभी डिटेल फिल कर दी है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर ही ऊपर आपकी जो बेसिक डिटेल होगी वो बेसिक डिटेल आपके ऊपर ऊपर आपको दिखाई देगी। आपको ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेनी है। बेसिक डिटेल कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्या आप इससे संबंधित क्वालिफिकेशन रखते हो या नहीं रखते हो, आपकी आपकी पात्रता की जाँच आपको यहाँ पर कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप काउंसलिंग के लिए निम्नलिखित योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो आपको यहाँ पर डिलीट कर लेना है कि आप काउंसलिंग के लिए आप पात्रता रखते हो या नहीं रखते हो। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड जनरेट करने होंगे। पासवर्ड कैसे जनरेट करने होते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल के अंदर लिखना होता है, फिर आपको यहाँ पर स्मॉल में लिखना होता है, फिर आपको यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर लगाना होता है। स्पेशल कैरेक्टर लगाने के बाद में एक आपको न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करने होंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। कंप्यूटर पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में आपकी बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि आपके द्वारा भरे गए बैंक खाता संख्या में आपको महाविद्यालय के आवंटित होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड किया जाएगा। आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको बिल्कुल सही से फिल करनी है। यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क रिफंड होगा वो आपके इसी खाते में रिफंड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैंक की डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि आपके कौन से बैंक में अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको यहाँ पर अपने सिटी सेलेक्ट करनी होगी कि आपका बैंक जो है कौन सी सिटी के अंदर है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट कर लेना, सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी ब्रांच आपका बैंक है जो कि कौन सी ब्रांच के अंदर है, वो ब्रांच आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करने के बाद में आपके बैंक के आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि आपके बैंक के आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पर शो हो गए हैं। अब आपको क्या करना होगा कि आपके बैंक के अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपके बैंक के अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल सही से फिल करने हैं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि आप यहाँ पर गलती कर दोगे तो आपका रिफंड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आपके अकाउंट होल्डर नेम आपके बैंक पासबुक के अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको फिल करना है। चाहे आपके फॉरन में आपके नेम के अंदर कुछ मिस्टेक, कोई अलग नेम हो या अकाउंट के अंदर आपके अलग नेम हो जिससे कि सरनेम नहीं लगा हो, लेकिन बट आप यहाँ पर जो भी आप अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पर दे रहे हो वो आपके बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर आप किन का दे सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर कैंडिडेट का स्वयं का अकाउंट नंबर आपको देना है। यदि आपका कैंडिडेट का खाता खुला हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपने गार्जियन का भी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दे सकते हो, बट यहाँ पर आप कैंडिडेट का अकाउंट नंबर दोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे भी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर फोर परसेंट स्टूडेंट जिन्होंने बीएड बीएससी बीएड का फॉर्म अप्लाई किया था तब वो अपेयरिंग किया था, तो उनको ये डिटेल फिल करनी होगी। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को जिन्होंने फॉर्म फिल करते इसमें अपेयरिंग किया था, परसेंट किया था, तो यहाँ पर परसेंट स्टूडेंट को ये डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर उसको ट्वेल्थ क्लास अथवा उसके समक्ष के मार्क्स फिल करने होंगे। तो सबसे पहले उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि उन्हें ट्वेल्थ क्लास कौन सी ईयर में पास किया था। तो यहाँ पर आपको 2022 सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर अपेयरिंग किया था तो आपका रिजल्ट अब तक आ गया होगा। यहाँ पर 2022 सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो पूर्णांक था वो कितने का था, 650 का था या 500 का था, वो आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको उसमें से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और नंबर सेलेक्ट करने के बाद में आपके कितने परसेंटेज बने हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने की आपके कितने परसेंटेज बने हैं, इस तरह से वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में एक बार आपको अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अच्छी तरह से चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका चालान यहाँ पर आपका पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपका पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा, तो आपके चालान नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो आपके चालान नंबर आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं। आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेनी है। फिर आपके यहाँ पर 5,000 का पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। 5,000 का पेमेंट करने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आपको इनको पढ़ना है। फीस जमा करवाने के लिए उपरोक्त मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना होगा। फीस जमा किए बिना आप आवेदन की प्रिंट नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि आपके अपने सबसे पहले आपकी फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस मेक पेमेंट के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ के ऊपर यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ लिंक मिल जाते हैं, कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी से आप अपना पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको एटीएम कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके बताने वाला हूँ। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कौन सा कार्ड है उस कार्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डेबिट कार्ड है या रुपये डेबिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसेस नाउ के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ प्रोसेस नाउ के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर क्या करना होगा कि कार्ड होल्डर का नेम आपको यहाँ पर दे देना है। कार्ड होल्डर का नेम देने के बाद में फिर आपका एटीएम कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। एटीएम कार्ड के नंबर फिल करने के बाद में एटीएम की एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। पहले आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी कार्ड की सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको कंटिन्यू के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिंक पर क्लिक कर दोगे तो आपके अकाउंट नंबर से जो भी बैंक आपके अकाउंट नंबर से जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए होंगे उन मोबाइल नंबर के ऊपर आपके एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से आपके यहाँ पर 5,000 का सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाएगा और उसका मैसेज आपके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे वो मैसेज आपके पास आता है तो आपको यहाँ पर 5,000 की रिसिप्ट जनरेट होगी। उस रिसिप्ट की आपकी प्रिंट आउट आपको यहाँ पर करवा लेनी है क्योंकि वो रिसिप्ट आपके यहाँ पर जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर आपको रिसिप्ट काम आने वाली है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें भी आपको रिसिप्ट वहाँ पर जमा होगी।
यहाँ पर पेमेंट कंफर्म होने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि आपकी कॉलेज चॉइस फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा कि वापस यहाँ से आपको होम पर आ जाना है। आपको यहाँ पर होम पे आने के बाद में वापस आपको इसी ऑप्शन पे आ जाना है। ऑप्शन पे आने के बाद में आपने बीए बीएड का फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था, तो आपको इसी कॉलेज चॉइस फिल करनी होगी। कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको फिर कॉलेज चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपडेट कॉलेज चॉइस भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और आपके लॉक कॉलेज चॉइस भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए आपको फिर कॉलेज चॉइस के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉलेज चॉइस के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपके चालान नंबर, जो आपको चालान नंबर आपने 5,000 का पेमेंट किया था, वहाँ से आपके चालान जो नंबर जनरेट हुए थे वो चालान नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपके बी ए बी एड के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपने जो पासवर्ड जनरेट किए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपनी पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। आप अपनी कॉलेज चॉइस किसे फिल कर पाओगे उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप अपना कॉलेज चॉइस आपको किस प्रकार से फिल करनी है वो आप वो वीडियो देख के आप अपनी कॉलेज चॉइस आसानी से फिल कर पाओगे। कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए आपको अपने कॉलेज चॉइस के ऑप्शन के बाद में आपको यहाँ पर लॉक करना लॉक करने में आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप लास्ट डेट तक लॉक नहीं कर पाओगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉक हो जाता है। यदि आप लॉक कर देते हो पहले तो आप अपनी कॉलेज लिस्ट के अंदर भी आपको अपडेट या कोई चेंज नहीं कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना न भूलें, ताकि आपको पीटीटी से जुड़ी सभी अपडेट और उनकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।